चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि अब बाजार को किस तरह से देखना चाहिए। यहाँ एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्यका इन्वेस्ट मार्ट के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चंद्रशेखर बोबरा बने हुए हैं। मिस्टर बोबरा, वेलकम टू ईटन हाउस स्वदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ से आपका बाजार पर क्या व्यू बन रहा है, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अब तक जो है FIs की सेलिंग परेशान कर रही थी और लगातार पिछले 3 महीने से हम सेलिंग देख रहे हैं FIs की। इनफैक्ट पूरे 2021 में आप बात करें तो FIs का कोई बहुत बड़ा बाइंग का फिगर आया नहीं है, लेकिन अब जो एक बड़ी चिंता है कि DIs भी सेलर्स हो रहे हैं और आगे भी इसी तरह की एंटिसिपेशन की जा रही है कि इजी मनी बाजार में नहीं आएगा, इंडियन मार्केट्स में नहीं आएगा और आप आगे यहां से इंडियन मार्केट्स को 24 सेशंस कंटिन्यूड देखेंगे, वॉलेटिलिटी यानी बाजार में बनी रहेगी। आपका क्या व्यू है इस पर? आपने मार्च 2020 में जो एकदम डाउनफॉल आया था मार्केट में, के बाद में कंटिन्यूअस 2021 एंड पार्ट ऑफ नाउ 2022 तक मार्केट तेज रहा, तो अब जो है वो सेलिंग जो है वो कोई एबनॉर्मल नहीं है। देखो, इट इज ऑलवेज नॉट इन्वेस्टिंग, वन हैज टू बी स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ऑलवेज मार्केट डजंट गो वन साइडेड, तो वन हैज टू बुक प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इंडियन मार्केट, तो फंडामेंटली इंडियन मार्केट में कोई भी खराबी नहीं आई है, इट इज़ ओनली टेक्निकल। तो मार्केट करेक्शन होना तो बहुत अच्छी बात है, और मार्केट जब करेक्ट होता है तो हमको अच्छी स्क्रिप्ट जो है फेज्ड मैनर में, ऑल हॉग नहीं खरीदना चाहिए, पर फेज्ड मैनर में वन शुड इन्वेस्ट इन गुड स्क्रिप्ट्स। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से, बिल्कुल बड़ा ही कन्विक्शन। रही बात दूसरी कि FII ने करीब 1 लाख करोड़ का माल बेचा और बहुत हद तक जो है इंडियन इन्वेस्टर्स ने वहां पर भी उसको खपा दिया, बाइंग करते रहे। तो अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो हमारे यहाँ डीमेट अकाउंट्स 2019 में अराउंड 3.5 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, विच ग्रू टू अराउंड 7.7 करोड़ इन 2021, इट्स नवंबर 2021। तो मार्केट इज ग्रोइंग एंड न्यू एज इन्वेस्टर्स, यंगस्टर्स हु हैव गॉट मनी टू इन्वेस्ट, तो दे आर टेकिंग रिस्क and coming into the market. Now, the incoming IPO of Life Insurance Corporation of India, which is scheduled to be launched in March this year only. With this, the market breadth will also increase substantially. More and more demat account, because all policy holders will be offered shares. So they will get test of the stock market, because if they get shares they will have to sell, so they will come in the market, and once you open a demat account and have a relationship with the stock broker, so you get a develop a test to it and then you get a knack of it. Bilkul. And you start investing. Bilkul. बिल्कुल चंद्रशेखर जी, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड, वेलकम। यहाँ पर जिस तरह से कन्विक्शन के साथ आप बाजार के इस करेक्शन को समझा रहे हैं, बिकवाली जो है उसमें भी बता रहे हैं, इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइन। और ऑफ कोर्स बाजार की गिरावट में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक मौका भी ढूंढा जा सकता है, और बिल्कुल यहाँ पर कुछ तमाम चीज़ें हैं, कुछ तमाम फैक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, जिसके पहले बाजार में हम देख रहे हैं एक कमजोरियाँ, उतार चढ़ाव कह सकते हैं, क्योंकि बाजार तो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है और बीच में हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर संभलते हुए भी दिख है। अब यहां पर कन्विक्शन तो आपने दिखा दी, लेकिन साथ ही इस कन्विक्शन के साथ इन लेवल्स को देखते हुए बाजार में फिलहाल जो सिचुएशंस हैं इन्हें समझते हुए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आप और ज्यादा पॉजिटिव हैं, कहां पर नजर रखनी चाहिए? अगर हम सेक्टर की बात करें तो अभी जो रिसेंट पास्ट में फरवरी 1 को जो बजट आया, तो गवर्नमेंट का जो विजन है, so that is a very long term vision, and they want to spend money in the infrastructure sector, so capital investment they are encouraging the private sector to come and invest money and grow their capacities. So although that won't come in one go, because initially whatever capacity the private sector have,
that capacity has to be utilized 100%, and then they will invest money further to increase the capacities. But in the long run, definitely, since the Indian market is a growing market, and actually it is a function of demand and supply. So with the population which is on our which is favorable 140 crore number itself speaks of the demand side. So and with this consistency in the approach of the government, I think more money will come into infrastructure. And when we talk about infrastructure, then the simple sectors which comes to everybody's mind is steel, cement. And in steel, if you take Tata Steel, so Tata Steel, I have gone through the details of Tata Steel. It is a substantially low cost producer of steel in the country, and even in the world, if I can say. So Tata Steel is a good buy. Then cement, Ultratech Cement is a good buy. Then Larsen and Toubro. So it's a good buy, but one should go in phased manner, not all hog. So these are good. Then FMCG, हम देख रहे हैं कि अभी FMCG सेक्टर इतना नहीं चल रहा है. हिंदुस्तान यूनिलीवर धीरे धीरे नीचे आ रहा है. तो नीचे आ रहा है तो इट्स अ गुड साइन. इफ यू स्टडी हिंदुस्तान लीवर, दे हैव गॉट ए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप इन द कंट्री, ए प्लस प्रोडक्ट रेंज विच कैटर्स टू ऑल द सेगमेंट ऑफ द मार्केट. सो दीज आर सम कंपनीज वेयर यू शुड फोकस. And slowly, if you are a long-term investor, I am talking from the long-term investment point of view. So my concept is ki right buy and then sit tight. So this is what I buy right. Yes, आप ये सही बता रहे हैं कि buy right and sit tight. पहले तो अच्छा खरीदो, फिर उसके बाद फिर बैठे रहो मार्केट के अंदर, तो आपको अच्छा प्रॉफिट आ ही जाएगा. घूम फिर के उन्हीं शेयर्स को ही आना है आगे. चंद्रशेखर जी, एक चीज़ हो रहा है, सब लोग कहते हैं कि बैंकिंग में बहुत दम है. आप कितना मानते हैं और आपकी तरफ से बैंक के शेयर कौन से हैं जिसको आप ज़्यादा नोटिस करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इनमें पैसा बन जाएगा? हम बैंक की जहाँ तक बात करें तो अभी भी जो जनरल इन्वेस्टर है उसका रुझान जो है वो पब्लिक सेक्टर सेक्टर यूनिट्स जो है बैंक PSU बैंक्स, उसमें भरोसा ज़्यादा है. आप जैसे जीवन बीमा में LIC पे भरोसा करते हैं, ऐसे बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भरोसा ज़्यादा है. और अगर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम नेटवर्क देखें तो वाइड नेटवर्क, और जो गवर्नमेंट ने अभी प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स में जो इम्प्रूवमेंट लाए हैं, उससे जो पिछले समय में जो भी गड़बड़ियां हुई बैंक में, उस गड़बड़ियों को बड़ी रोक लगी है. एंड आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम PSU सेगमेंट इज अ गुड बाय फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ. ठीक है, बिल्कुल. तो ये लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से आप ये जो स्टॉक्स बता रहे हैं, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, हम इस पर व्यूअर्स को एक राय ये भी दिलवाना चाहेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मार्केट में वॉलेटिलिटी, जो जारी वॉलेटिलिटी है उसको समझ पाना. बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं 2020 के बाद, हमने देखा है मार्च 2020 के बाद कई नए डीमैट खुले और उन्होंने कभी भी एक मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखा. हालांकि आप इंटरनेशनली बाजारों को देखें तो निफ्टी ने इतना अंडर परफॉर्म नहीं किया और बाद में अंडर परफॉर्म करना शुरू किया एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स. लेकिन ऐसे में कैसे एक बास्केट फुल ऑफ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इस वॉलेटिलिटी को देखते हुए भी, और नए इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी? एक बात में यहाँ मैं बाजार से हट के बोलना चाहूंगा कि मैं ईटी नाउ स्वदेश को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही समय पे ये चैनल लॉन्च किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स. देखिए, जो इन्वेस्टर है, खास करके जो नया इन्वेस्टर है, उसको बाजार से इंट्रोडक्शन सिर्फ यही हुआ कि इसमें आज ले और कल बेचो और मुनाफा होता है. तो इट इज नाउ द आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द चैनल ऑल्सो
provide a program to the investors to make them know and to educate them कि शेयर मार्केट जो है सिर्फ सट्टा नहीं होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए. ऑल्दो देर आर सो मेनी क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग एजुकेशन बट नाउ दिस चैनल टीवी चैनल हैज गॉट ए वाइड कवरेज और इसमें अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो चीज़ों को समझेंगे. क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और 2020 मार्च के बाद में जिन्होंने एंट्री ली तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही साइड देखा, एक ही पहलू देखा है कि अरे ये तो आज लो और दो गुना हो जाता है, चार गुना हो जाता है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू हैव टू सेंसिटाइज देम. सो ऑर्गेनाइज सम प्रोग्राम्स फॉर दोज इन्वेस्टर्स बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. एंड जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें. तो अब बात बाजार की है तो बाजार में आप करेक्शन जो आ रहा है जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फेज्ड मैनर में आपको परचेजेस करना चाहिए. अच्छी स्क्रिप्ट में परचेज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में, अच्छी स्क्रिप्ट में परचेज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को फायदा होगा. बिल्कुल. पहले तो थैंक यू कि हमारी इस पहल, हमारी इस कोशिश को आपने सराहा और जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, ऑफ कोर्स इन तमाम चीज़ों पर हम काम भी कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे. लेकिन सर साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इवेंट स्पेसिफिक बाज़ार काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल मूवमेंट दिखा रहा है. हमने देखा बजट से ठीक पहले वहाँ पर हमने उतार चढ़ाव देखे थे, बजट के साथ साथ बाज़ार में तेज़ी आई और अब क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भी शुरू हो चुकी है, बाजार में उथल पुथल इस वजह से भी हम देख रहे हैं. अब इन्फ्लेशन को लेकर हम जानकारों का मत भी जान रहे हैं, साथ ही क्लियरली बजट में भी काफी सारे सेक्टर्स को लेकर ऐलान भी होते हुए दिखे. इन्फ्लेशन के फ्रंट पर आपको क्या लगता है और ब्याज दरों की स्थिति पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो जरूर दे विल टाइटन अप, बट वो इतना भी टाइट नहीं करेंगे कि इन्वेस्टर्स जो जितना डरे हुए हैं उसमें डरने का कोई सवाल नहीं है. इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव बट इंटरनेशनली भी इंडिया में बहुत सारी संभावनाएं देख रहे हैं. तो जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस इंटरेस्ट में पॉलिसीज सेट करता है तो नो गवर्नमेंट एंड स्पेशली द प्रेजेंट गवर्नमेंट वुड लाइक टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट कमिंग अप हियर. तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी तो ही सरकार के पक्ष में जो है लोग जाएंगे. तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट. तो मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई पॉलिसी आएगी विच विल बी डेट्रीमेंटल टू द मार्केट. ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने 1800 देश को समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हौसला अफजाई के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. दो टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सचिनंद उतेकर और साथ ही रोहित शिंगरे, उन दोनों से करते हैं जरा